हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका द सिलेक्शन कैंपस के ऑनलाइन पोर्टल पर। आज 22 नवंबर 2019, आज हम बात करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स की। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले बात करते हैं न्यू जन मोबिलिटी सबमिट 2019 की। ठीक है, ये एक ऐसी सबमिट है जो कि व्हीकल्स को लेकर के सारी की सारी जो ऑटोमोबाइल्स वाली जो कंपनियाँ हैं उन सबको एक साथ लाने के लिए एक सबमिट की गई है। और ये सबमिट कहाँ हो रही है? मानेसर में। ये सबमिट आपकी मानेसर हरियाणा में हो रही है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है? ये 3 दिन की सबमिट है, सबमिट होने वाली है ये 27 to 29 नवंबर। 3 दिन ये सबमिट चलेगी। पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आजकल के टाइम की देखें तो पोल्यूशन ज़्यादा कुछ हो रहा है, ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है व्हीकल्स को लेकर के। ठीक, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सबमिट ऑर्गेनाइज की गई है ताकि सारे के सारे एक्सपर्ट्स, व्हीकल एक्सपर्ट्स, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, इन सबको इकट्ठा करके एक मैसेज दिया जाए। ठीक है, इसके अंदर 14 कंट्री पार्टिसिपेट करने वाली हैं। 14 कंट्रीज इस सबमिट में, 14 कंट्री नेशनल वाइज है ये। ठीक है, नेशनल लेवल पे मनाया जा रहा है और इंटरनेशनल से कंट्रीज भी इसके अंदर पार्टी कर रही है। ये आपका नेशनल करंट अफेयर का भी टॉपिक बनता है, लेकिन हरियाणा में हेल्ड हो रहा है तो हरियाणा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा टॉपिक। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? आपका ICAT, इनको ऑर्गेनाइज करवाने वाला ICAT। ICAT मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोबाइल, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव। ये इसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। और इस सबमिट का थीम क्या होगा? थीम की बात करें तो हम इसकी थीम होगी स्मार्ट एंड ग्रीन ऑटोमोटिव। इस समिट की ये थीम रहने वाली है। थीम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस समिट की थीम क्या थी, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? मानेसर हरियाणा के अंदर। और इस चीज को इनॉग्रेट कौन करेगा, इसका उद्घाटन कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? ये करेगा आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाईवे। नोट डाउन करा देता हूँ आपको, थोड़ा स्पेस कम है। इसको इनॉग्रेट कौन करेगा? इनॉग्रेट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसफॉर्मेशन यूनियन मिनिस्ट्री, सेंटर की बात हो रही है, सेंटर के मिनिस्टर। और इस टाइम पे सेंटर के मिनिस्टर कौन है? इस टाइम पर नितिन गडकरी, आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। नितिन गडकरी इसके अभी मंत्री हैं, चेयरमैन हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, 3 चीज़ें बताइए मैंने आपको। ठीक, रिपीट करा देता हूँ, न्यू जन मोबिलिटी समिटी कहाँ पे हो रही है? मानेसर के अंदर। 3 दिवसीय है, 27 नवंबर से 29 नवंबर तक ये चलेगी। ठीक है, कौन इसको हेल्प करवा रहा है, ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? ICAT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। इनॉग्रेट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसके मंत्री हैं आपके नितिन गडकरी। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखोगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचते हैं। इसका एम बता दिया मैंने आपको कि सभी डिपार्टमेंट को साथ में लेके आना। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कॉरपोरेशन। हरियाणा गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कॉरपोरेशन स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, डिपार्टमेंट को लेकर के है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि बनाने के लिए, ठीक है, हरियाणा तैयार कर रहा है इस चीज़ को। ओके, क्यों कर रहा है इसके लिए, ये एक क्यों किया जा रहा है? ताकि जो NRIs हैं, जो इम्प्लॉई हैं, NRI जो इम्प्लॉई हैं उनके, और जो यूथ इम्प्लॉई हैं उनको इनके लिए अच्छे अच्छे अवसर प्रदान करने के लिए यह डिपार्टमेंट ओपन किया जा रहा है। ठीक है, और ये किसके साथ में काम स्टार्ट करेगा? मतलब ये तो स्टेट का हो गया, फॉरेन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कॉरपोरेशन, ये तो सेंटर का हो गया, और ये किसके साथ में काम करेगा? आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ में। ठीक है, वर्क विद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन
एक्सचेंज, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, फॉरेन अफेयर्स की बात हो रही है, एक्सचेंज नहीं, सॉरी फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर की बात करें। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इंडिया, इंडिया कौन है, इंडिया के कौन है, एस जयशंकर, कल ही आप बात हुई थी इसके ऊपर, एस जयशंकर इंडिया की बात करें। और स्टेट की बात करें तो वी मुरलीधरन, वी मुरलीधरन रेड्डी, वी मुरलीधरन आपके रेड्डी, ये आपके कौन है, स्टेट के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ स्टेट्स, ठीक, ये आप ध्यान में रखोगे, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कॉरपोरेशन, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एक साथ लेके आना, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एक साथ लेके आना, और एनआरआईज और जो यूथ एम्प्लॉय हैं उनके लिए नए अवसर प्रदान करना, इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे, ठीक। दूसरा थर्ड टॉपिक आता आपका भावांतर भरपाई योजना के बारे में। इस भावांतर भरपाई योजना को जनवरी 2018 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन मैं आज इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, और इस भावांतर भरपाई योजना पे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, ठीक है, इसका आप ध्यान रखोगे। भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत क्या था, पहले आलू प्याज टमाटर और गोभी, ये मत समझना मैं सब्जी बेचने लग गया, ठीक है, ये है एक न्यूनतम कीमत के लिए भावांतर भरपाई योजना स्टार्ट की गई थी कि इन फसलों के लिए न्यूनतम रेट फिक्स कर दिया गया है। अगर कोई किसान अपनी इन फसलों को किसी मार्केट के अंदर बेच रहा है, उसको न्यूनतम रेट से कम सरकार द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम रेट है, मूल्य है, उससे अगर कम में बेचता है, तो वो किसान अपने आप को एक पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करवाएगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इस पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कराए, और उसको जो रेट है, न्यूनतम जो रेट दिया गया है सरकार के द्वारा, उस जो गैप होगा दोनों में, जितने भी उसने बेचा और जो रेट फिक्स है दोनों का जो गैप है, उसको उसके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता था उस अमाउंट को, ठीक है। ये कुछ इसका स्टार्टिंग की बात है, इसको स्टार्ट किया गया था जनवरी 2018 में, दो साल में इसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दिखा है, काफ़ी ज़्यादा इसके सक्सेसफुली योजना रही है ये, और अब इसके अंदर कुछ और फसलों को ऐड किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी फसलें इम्पोर्ट ऐड की गई थी इसके अंदर, गाजर मटर किन्नू शिमला मिर्च, किन्नू और शिमला मिर्च और सॉरी साथ में बैंगन भी, बैंगन इन फसलों को भी ऐड कर दिया गया है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। पहले सिर्फ चार फसलें थी, अब न्यूनतम रेट के लिए इन फसलों को भी ऐड कर दिया गया है, जिसमें गाजर का न्यूनतम रेट सेट किया गया 700 रुपये पर क्विंटल, और मटर के लिए है 1100 रुपये पर क्विंटल, ये न्यूनतम रेट फिक्स किए गए हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। भावांतर भरपाई योजना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल फिशरी डे, इंटरनेशनल फिशरी डे, अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य दिवस, मत्स्य पालन दिवस 2019, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है, ये 21 नवंबर को हर साल, 21 नवंबर को हर साल। इंपॉर्टेंट क्यों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, कि इसके अकॉर्डिंग हरियाणा में पहले स्थान पर करनाल है, पहले स्थान पर करनाल हुआ है, फर्स्ट रैंक मिली है करनाल को, और करनाल से एक किसान था सुल्तान सिंह, ठीक है, सुल्तान सिंह बुलाना गांव से हैं, बुलाना विलेज से कौन है, सुल्तान सिंह, किसी ने पहली पिछली बार तैयारी की उसको पता होगा सुल्तान सिंह कौन है, पद्मश्री अवार्ड मिला है हरियाणा के किसानों को, उनमें से ये एक किसान है आपके सुल्तान सिंह। इन्होंने मत्स्य पालन, इसका ये इनकी वजह से करनाल को हरियाणा में पहला स्थान मिला है। और अगर इंडिया की बात करें तो पहले तो है वेस्ट बंगाल और उसके बाद है आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर और सेकंड प्लेस पर, ये इंडिया की बात हुई। और अगर बात करें इंडिया के अलावा जो इंडिया में, तो ये तो समुद्री एरिया में हो गया, तालाब की बात करें, तालाब के अंदर मत्स्य पालन करने के लिए विद इन पौंड
तालाब के अंदर की बात करें, पहले स्थान पर आपका पंजाब और दूसरे स्थान पर है हरियाणा, ये आप ध्यान में रखोगे। ये तीन टॉपिक बनते हैं। हरियाणा में पहले स्थान पर करनाल है फर्स्ट, इंडिया में वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, और थर्ड हो आपको समुद्री एरिया को छोड़ करके, समुद्र को छोड़ करके जो एरिया रहता है उसके अंदर पंजाब पहले स्थान पर और हरियाणा दूसरे स्थान पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे, मत्स्य पालन 2019। ठीक है, इसके बाद आपका स्टेट फॉर्मेशन डे, अभी पिछले कुछ दिनों में आपको पता है 1 नवंबर अभी निकला है, 20-25 दिन पहले। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, काफ़ी दिन हो गए लेकिन वीडियो अभी बननी स्टार्ट हुई है तो बता सकता हूं मैं कि स्टेट फॉर्मेशन डे, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा डे 1 नवंबर, 1 नवंबर को, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था हरियाणा का? 1966 को, और इसी दिन पंजाब का भी फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, और इसी दिन चंडीगढ़ भी अलग हुआ था 1 नवंबर 1966। ये तीन डेट तो आपको सिंपल सी बात में याद रहेगा। पंजाब की बात करें, पंजाब को पहले से अगर पंजाबी भाषा के लिए स्थापित किया गया था तो वो आपका किया गया था पंजाबी सूबे के लिए, पंजाबी सूबे का कब किया गया था? 1950 में, 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान में रखोगे, पंजाबी सूबे मूवमेंट के वजह से इसको किया गया था। और हरियाणा को किस बेसिस पे अलग किया गया था? भाषा के आधार पे, हिंदी और हरियाणवी लैंग्वेज के लोग इस एरिया में ज़्यादा थे, और जो पंजाबी सूबे वाले, जो ये पंजाबी सूबे मूवमेंट हुआ था 1950 में, उस एरिया में पंजाबी क्षेत्र ज़्यादा था इसलिए ये अलग हुआ, लेकिन डेट ऑफ फॉर्मेशन यही मानते हैं। अर्ली की बात करें तो 1950 में पंजाब की वजह से उसका फॉर्मेशन हुआ था पंजाबी लैंग्वेज को लेकर के। ठीक है, इन्हीं के साथ साथ में चार और स्टेट थे, इनके साथ में हरियाणा की इंक्लूड करके देखें तो टोटल 5 स्टेट थे जिनका इसी दिन 1 नवंबर को भी स्टेट फॉर्मेशन डे था। सबसे पहला आता इसमें तमिलनाडु, सबसे पहला कौन सा आता है आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु का फॉर्मेशन किया गया था 1956 में, तमिलनाडु का, सॉरी फॉर्म में TND लिख रहा हूं। ठीक है, तमिलनाडु का फॉर्मेशन कब किया गया था? 1956 में। ठीक है, और ये एक इस राज्य को भी भाषाई भाषा के तौर पर अलग किया गया था। ठीक है, भाषाई पुनर्गठन के एक्ट पर इसको अलग किया था, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भाषाई पुनर्गठन की बात कर रहे हैं तो भाषाई पुनर्गठन पर पहला राज्य कौन सा था? पहला जो राज्य है जो भाषा के आधार पर अलग किया गया था वो था आपका उड़ीसा। उड़ीसा आजादी की बात करें तो आंध्र प्रदेश को भी ये एक एक्ट बनाया गया था आपका। ठीक है, वो भाषा के आधार पर, लेकिन पहले राज्य की बात करें जो भाषा के आधार पर अलग किया गया था ये उड़ीसा था। इसको 1 अप्रैल 1930 को अलग किया गया था। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग उड़िया लोग ज़्यादा रहते थे, उड़िया लैंग्वेज बोलने वाले। ठीक है, और उड़िया की बात करें तो उड़ीसा को पहले उत्कल के नाम से भी संबोधित किया जाता था, जो कि उत्कल जो वर्ड है वो अपने राष्ट्रगान के अंदर जनगणमन में इसका भी यूज है, उत्कल का भी नाम आता है। ठीक है, उड़ीसा के बारे में ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात करें, दूसरा राज्य था आपका मध्य प्रदेश। सेकंड था MP, ये भी 1956 में अलग हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद आपका था थर्ड छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ था, 1 नवंबर 2000 में इसको अलग किया गया था। कहाँ से? एमपी से अलग किया गया था, एमपी से, दोनों एक साथ हुए। ठीक है, दोनों की डेट ऑफ फॉर्मेशन ये इसको बाद में किया गया था, सॉरी कंसेप्ट मिस्टेक, एमपी 1956 में अलग हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ को अलग क्यों किया गया था, रीजन में इसलिए बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ को इसलिए अलग किया गया था नक्सल को कम करने के लिए, टू रिड्यूस नक्सलिज्म इसको अलग करने के लिए अलग किया गया था। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पे आता है आपका केरल को भी इसी दिन 1 नवंबर 1956 को अलग किया गया था, 1956 केरल भी अपने एक स्टेट फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को ही मनाता है।
ठीक है, पहले इसके नाम क्या क्या थे? पहले ये जो केरल था ना, ये तीन हिस्सों में बंटा हुआ था, तीन प्रोविंस फ्री, जो राजा होते ना अपना राजा अलग से मनारख है, वो तीन राजा के हिस्से में था पहले ही केरल की बात करें तो। और पहला था मालाबार, दूसरा इसमें तरंतर एंड चौथा कोच्चि। मालाबार, तरनकोर एंड कोच्चि, ये तीन इसके फ्री स्टेट प्रोविंस थे इसके केरल के, ठीक है। और इसका नाम केरल कैसे पड़ा इन तीनों को मिलाने के बाद? तो इसका जो पहला राजा है, केरल का जो पहला राजा था, केरेलियन थोम्ब्रोन करके, केरेलियन थोम्ब्रोन, केरेलियन थोम्ब्रोन के नाम से केरल का नाम इस तीनों राज्यों का मिला करके नाम रखा गया केरल। और जो केरेलियन थोम्ब्रोन थे, ये केरल के फर्स्ट रूलर थे, ठीक है, राजा थे पहले। ये बात हुई आपकी स्टेट फॉर्मेशन डे की। उसके बाद बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक रहता है, पशु मेला। पशु मेला 2019 का करनाल में मनाया गया, करनाल में आयोजित किया गया, ठीक है। यहाँ पर गाय और भैंसों की कैटवॉक हुई थी, और यहाँ पर एक बकरा था, बकरे का नाम काफ़ी ज़्यादा वो था, फेमस था बकरा, काफ़ी ज़्यादा चर्चा केंद्र था इस पशु मेले के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, पशु मेला 2019 का करनाल में मनाया गया, आयोजित किया गया, ठीक है। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हरियाणा को लेकर के, छह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही बन सकते हैं। अगर ज़्यादा, अगर टॉपिक कम रहता है तो एक दो दिन मिस भी हो सकते हैं बीच में, क्योंकि हरियाणा की इतनी करंट अफेयर नहीं होते, ज़्यादा नहीं होते, इंडिया की ज़्यादा होते हैं। तो करंट अफेयर हरियाणा की बात करें तो बहुत कम है, कभी कभी जैसा लगा कि न्यूज़ सिर्फ एक या दो ही बन रही है, तो उस पर वीडियो बनाने का वेस्ट है। तो जब ऐसा लगेगा तो दो दिनों की कंबाइंड वीडियो भी आपको अपलोडेड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।